हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। किसी भी प्रोजेक्टाइल की मोशन हमें डिस्कस करनी है ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन किसे कहते हैं? देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ हमने सपोज किया ये एंगल थीटा बनता है। दिस एंगल है, दिस इज सपोज बीटा। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल हमारा बीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। अब यदि हम इस इंक्लाइन प्लेन के साथ किसी स्पीड u से बॉडी को एंगल अल्फा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। द पाथ फॉलोड बाय दिस बॉडी is like this. Suppose here this point O, and here suppose this is A, and here suppose this x-axis horizontal line कहेंगे अभी तो इसे है ना। इसके अंदर हम ये इंक्लाइन प्लेन, हमारा इस इंक्लाइन प्लेन को हम जनरली x-axis कंसिडर करते हैं, और जब यहाँ पर हमारा x-axis है तो y-axis हमारा ये हो जाता है। दिस इज y-axis है यार, ये x एक्सिस हमने कंसीडर किया, ये y एक्सिस हमने कंसीडर किया ना। ये जो आपकी वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहली वेलोसिटी यहाँ पर u cos अल्फा आती है, ये एंगल इसके साथ अल्फा आपका, इसलिए ये कंपोनेंट u cos अल्फा। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज, दिस इज u sin अल्फा। पहला कंपोनेंट इस वेलोसिटी का u cos अल्फा, दूसरा कंपोनेंट u sin अल्फा, ठीक है। एज यू नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो दिस एक्सेलरेशन आल्सो रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट तो along the inclined plane, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। एक कंपोनेंट along the inclined plane, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। here this angle is beta, और यहाँ पर यदि इसको आप देखें तो this is angle is 90 degree, therefore this angle is 90 minus beta, this angle is 90 minus beta, therefore दिस एंगल इज हेयर बीटा। जितना ये एंगल है उतना यहाँ पर ये एंगल बीटा। नाउ दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दिस इज जी कॉस बीटा एंड हेयर दिस कंपोनेंट इज जी साइन बीटा। तो इस तरह से हमने जी के दो कंपोनेंट बनाए। नाउ ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ है, इसकी मैक्सिमम हाइट, इसको हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो इस केस में हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर वन, टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? कैपिटल टी से इसको हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। इट इज द टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रहती है दैट टाइम इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर, ठीक है। तो इसमें सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगा रहे हैं, y इज इक्वल टू दिस ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। y एक्सिस में मोशन कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस, सिमिलरली दिस एक्सेलरेशन इन y एक्सिस ना। y एक्सिस हमारा देखिए ये है, ये हमारा x एक्सिस। तो y एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट, y की वैल्यू 0 क्योंकि जिस हाइट से हमने छोड़ी थी उसी हाइट पर आकर या उसी लेवल पर आकर ये बॉडी स्ट्राइक करती है, दैट्स व्हाई दिस y इक्वल टू 0। put here 0. Now u/y का मतलब this initial velocity, this is initial velocity along y-axis. So put here this u sin alpha plus this half into this ay. Ay means acceleration along y-axis, and acceleration along y-axis is this. ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, therefore this is minus g cos beta into this t here, and t is what? This is capital T time of flight, and this is also capital T time of flight. ठीक है. Now this can be written as u sin alpha into t is equal to this is g cos beta into t, g cos beta into t square upon 2. एक t से ये t कैंसिल, therefore capital T is equal to this is 2u sin alpha upon this is g cos beta. तो this is the required expression for time of flight. तो इस बॉडी को हमारे यहाँ से O से पॉइंट A तक जाने में इतना टाइम लगता है, तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ मैक्सिमम हाइट इसकी देखते हैं. मैक्सिमम हाइट के लिए हमें ये h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब इसकी कितनी हाइट ऑब्टेन करता है, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय द दिस प्रोजेक्टाइल अबव द इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन से ऊपर कितना मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं. मोशन अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है. देयरफॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं. दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay into y. This is along y-axis. Therefore, here acceleration in y-axis, and this is y direction में distance है हमारा इतना. Now, this vy is equal to final velocity at highest point is 0. Therefore, this initial velocity is y-axis में. This is u sin alpha square plus this is 2 into ये कितना होगा ay इज माइनस जी कॉस, दिस इज माइनस जी कॉस बीटा. ये हमारा y एक्सिस ऐसे है, ये एक्सेलरेशन हमारा y एक्सिस में नेगेटिव में है, दैट्स वाई माइनस जी कॉस बीटा. और ये y की वैल्यू हमारे यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज कैपिटल H. देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू this is 2g cos beta into h, or this h is equal to u square this sin square alpha upon 2g this cos beta. तो h की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की. दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द इनक्लाइन प्लेन. इनक्लाइन प्लेन से ऊपर जो मैक्सिमम हाइट है, दैट इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos beta. Now number 3 is there's a range of projectile. रेंज का मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल O2A draw a perpendicular on this line from point A. This is suppose point B. Now, ये तो हमारी velocity u है. This can be resolved in this direction, and the component of this velocity in this direction is u. This is cos alpha plus beta, because here this angle is alpha, this is beta. Total angle is alpha plus beta. Therefore, the component of this velocity along this line is u cos alpha plus beta. Now, along this direction, acceleration of the body is 0. Along this direction, acceleration is 0. That is, this velocity remains constant. Therefore, distance OB OB इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस OB पहले कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस OB इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एंड स्पीड इज हियर दिस इज u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम, टाइम इज दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दिस इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन दिस g cos बीटा. This is equal to distance OB, right? But we want to calculate this distance OA, which is the range of the projectile. Therefore, in triangle OAB, this triangle is OAB. In this triangle, cos beta is equal to this cos beta is equal to base upon hypotenuse. Base is OB. This base is OB upon this is OA, therefore OA is equal to from here, OA is equal to this OB upon cos beta, put here OB, and this OB is this one, this is 2, this is 2 into u square, this sin alpha into cos alpha plus beta upon this g cos beta upon this beta, so this is here cos square beta. Therefore, this range of the projectile OA is equal to this is 2u square sin alpha cos alpha plus beta upon this g cos square beta. This is the range of the projectile. तो इस तरह से हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट इज दिस, एंड देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O to A इज इक्वल टू दिस 2u स्क्वायर sin अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन दिस g cos स्क्वायर बीटा. तो इस तरह से हम ये इस इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर सकते हैं. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.